ये जो अभी मेरे पास कुछ दिन के पहले ही कमेंट आया था कि जो हमारा बेसन का हलवा है बहुत ज़्यादा पतला हो गया है। अब पतले हलवे को सही कैसे करें, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। बहुत से लोगों के कमेंट्स आते हैं मेरे पास में पतले हलवे को सही करने का तरीका, तो इसको भी आप सिर्फ इसको आप 5 मिनट में सही कर सकते हो। बहुत ही आसान तरीका है। अगर जब भी आपका बेसन का हलवा इस तरह से अगर पतला हो जाए तो बहुत ही ईजी तरीके से आप इसको सही कर सकते हो। तो चलिएगा, सबसे पहले तो हम गैस पर कढ़ाई रखते हैं और इसमें हम 2 चम्मच घी डाल देंगे, ठीक है, और थोड़ा सा घी को हम पिघलने देंगे। यहाँ पर भी हम गैस की फ्लेम को धीमा ही रखेंगे। घी हमारा पिघल गया है, अब इसमें हम करीबन 2-2.5 चम्मच सूजी डाल देंगे। सूजी आप कोई सी भी ले सकते हो, मोटी पतली आपके पास जो हो वो आप ले सकते हो, ठीक है। और इसको हम धीमी फ्लेम पर इसको हम 4-5 मिनट तक पकने देंगे, यानी कि सूजी का कच्चापन निकल जाए जब तक हम इसमें पकने देंगे। वो करीबन 4-5 मिनट हो गए हैं, सूजी हमारी अच्छे से पक गई, थोड़ा कलर भी चेंज हो गया है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा खोया ले रही हूँ इसके स्वाद को बढ़ाने के लिए। आप बिना खोए की भी इसको सही कर सकते हो, पर मेरे पास थोड़ा सा खोया रखा था तो मैंने सोचा क्यों ना डाल दें, इसका स्वाद भी बढ़ जाएगा। तो आप चाहो तो डाल सकते हो। और खोए को भी हम सूजी के साथ में थोड़ा सा भून लेते हैं अच्छे से, इस तरह से चम्मच से दबाएंगे और सूजी के साथ में इसे हम थोड़ा सा भून लेंगे हल्का सा। और ये हमारा सूजी और खोया दोनों ही अच्छे से मिक्स हो गए हैं। और अभी हमारा जो ये पतला वाला हलवा है इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। तो जैसे ही आप इसमें ऐड करेंगे ना, बस 2 मिनट के बाद ही आप देखेंगे कि आपका पतला बहता हुआ हलवा 2 मिनट में ही सही हो गया है। क्योंकि जो सूजी जो रहती है ना वो पानी सोखने में एकदम मास्टर रहती है, इसको जितना भी पानी मिले ये पूरा पूरा पानी सोख लेती है। तो जैसा हमने बेसन का हलवा सही करा है ना, इस तरह से आप आटे के हलवे को भी सही कर सकते हो। अगर आपका आटे का हलवा अगर पतला हो जाए ना थोड़ा सा, या इसमें अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आटे के हलवे में बेसन के हलवे में घी की मात्रा बहुत ज़्यादा हो गई है ना, तब भी आप उसमें थोड़ी सी सूजी भून करके डाल देंगे ना तो आपका घी भी पूरी तरह से सूजी सोख लेगी और एकदम परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा घी 1 चम्मच इसमें डाल देंगे और थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखा आपने, बेसन का हलवा हमारा जो एकदम बहता हुआ पतला हलवा था वो कितनी आसानी से सही हो गया है। तो अभी अभी आप देखेंगे कि कुछ समय के बाद में थोड़ा सा और भी ये ड्राई हो जाएगा, जो हमने सूजी डाली है ना, तो उसके कारण ये हमारा हलवा बहुत ही आसानी से, ये जो पतला हलवा है वो सही हो जाता है। तो अभी हम इसको थोड़ा सा इसको कवर कर देंगे लगभग 1 से 2 मिनट के लिए, ज़्यादा देर इसको नहीं कवर करना है, बस 1-2 मिनट। और गैस की आंच को एकदम धीमा रखिएगा, बिल्कुल बढ़ाना नहीं है गैस की आंच को। और बस 2 मिनट के बाद में ना हम इसको चेक करेंगे। ये हमारा हलवा पहले से और भी ज़्यादा ये ड्राई हो गया है, देखिएगा। इसको थोड़ा सा हम मिक्स कर लेते हैं तो लग रहा है ना बिल्कुल परफेक्ट ये हमारा हलवा। तो फ्रेंड, इस तरह के वीडियो मैं ना अपने चैनल पर अपलोड करती रहती हूँ। मेरे चैनल पर और भी इस तरह के वीडियो है, आप उन्हें भी देख सकते हो। जैसे आपकी बेसन की बिगड़ी हुई बर्फी को सही करने का तरीका है, चिक्की सही करने का तरीका है, काजू कतली सही करने का तरीका है, और भी कई तरह खमन ढोकला सही करने का तरीका है। कई सारे वीडियो मेरे चैनल पर, मैं इसी तरह के वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करती रहती हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड है इस तरह के वीडियो देखने में तो आप उन्हें भी देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक दे दूंगी सारे वीडियोस की, तो आप उन्हें भी जा करके देख सकते हो। देखिएगा हमारा एकदम परफेक्ट ये हलवा बन करके तैयार हो गया। थोड़े से और हम इसमें ड्राई फ्रूट डाल देते हैं ताकि देखने में और भी ये सुंदर लगे। तो ये देखिएगा एकदम परफेक्ट लग रहा है कि नहीं, हमारा हलवा जो बहता हुआ था वो हलवा हमारा एकदम परफेक्ट हो गया है। अब इसको हम गैस से तो उतार लेंगे। ये हलवा हमारा बन गया है और देखिएगा
बहुत ही सुंदर लग रहा है ये हलवा। तो आपको ये ट्रिक कैसी लगी है मेरी कच्चे हलवे को सुधारने की और बेसन के बहते हुए हलवे को पतले हलवे को सुधारने की ट्रिक, दोनों ही ट्रिक आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।